अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट टू देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का एक कोर्स स्टार्ट किया है उन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो हमारे क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट हैं, जिनके लिए केमिस्ट्री बिल्कुल एक न्यू सब्जेक्ट है। उसके अलावा हमारे वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जिनकी बेसिक्स थोड़ी वीक हैं और वो अपनी बेसिक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। So I hope so this video will be very beneficial for all of you, my dear students। अभी जैसा कि आपको पता है कि हम पार्ट टू देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। पार्ट वन में हमने देखा था व्हाट इज एटम, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उस स्ट्रक्चर में हमने सिंपली जो हमारे एटम के कंपोनेंट्स थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियस वगैरह, इनका सिंपली इंट्रोडक्शन लिया था कि ये क्या चीज़ें हैं। और आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया और कौन सा एक्सपेरिमेंट यूज़ किया गया। इसी तरह प्रोटॉन्स क्या हैं, प्रोटॉन्स को किसने डिस्कवर किया, ठीक है, इसी तरह कौन से एक्सपेरिमेंट्स प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए यूज़ किए गए, एंड इन द सेम वे फॉर द न्यूट्रॉन्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो वर्ड एटम है, ये लैटिन लैंग्वेज एटमोस से निकला है, ठीक है। एटमोस मीन्स इनडिविजिबल, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। और टिल 19th century यही कंसीडर किया जाता था कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है, जिसे बिल्कुल भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे 19th century जो थी, मतलब 19th century से पहले ये कंसीडर किया जाता था कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, इसे बिल्कुल डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद 19th century के बाद इन 20th century डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया गया कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम एक डिविजिबल पार्टिकल है। एटम में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है। इससे पहले हम ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे इन कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। सो 20th century में हमें ये सब कुछ पता चला कि एटम इंडिविजिबल नहीं बल्कि एक डिविजिबल पार्टिकल है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे हमारे, जिनमें हमारे रदरफोर्ड, हमारे बहुत साइंटिस्ट थे, इसी तरह गोल्डस्टीन थे, इन सब ने मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी को पॉसिबल किया। सो आज हम सबसे पहले देखेंगे कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट हैं तो कैथोड रेज आपके लिए बिल्कुल न्यू है, इससे पहले आप बिल्कुल भी कैथोड रेज के बारे में नहीं जानते, ठीक है। तो मैं आपको आज अच्छे तरीके से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझा पाऊँ कि कैथोड रेज क्या होती हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। ओके, सो व्हाई वी आर वेटिंग, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सी द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर कैथोड रेज। माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, बस आपने मेरी बात को गौर से सुनना है, ठीक है। अगर आप गौर से सुनेंगे तो ये आपके लिए ही फायदा होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, कैथोड रेज क्या होती है। माई डियर स्टूडेंट्स, 1879 में सर विलियम क्रूक नामी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया कि एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसके अंदर बहुत ही लो प्रेशर रखा, ठीक है। उस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब को उसने क्या किया, दो मेटेलिक रॉड के साथ कनेक्ट कर दिया। किसके साथ, दो मेटेलिक रॉड के साथ कनेक्ट कर दिया गया। एक मेटेलिक रॉड का नाम उसने दिया एनोड, उसके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो था उसका नाम था कैथोड, और कैथोड पर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। अब उसने क्या किया कि अपने ये जो मेटेलिक रॉड थे उनको उसने क्या किया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जा सके। सो माई डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब थी उसने क्या किया, उसका जो प्रेशर था वो 10 एटमोस्फेरिक प्रेशर रख दिया, ठीक है। सो जैसे ही वहाँ ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में जो मौजूद गैस थी वहाँ से हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया गया। किसके जरिए इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया गया, थ्रू मेटेलिक रॉड्स। मेटेलिक रॉड ही बैटरी के साथ कनेक्ट थे। सो जैसे ही मेटेलिक रॉड से करंट गया हमारे ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में और वहाँ पे क्या थी, गैस थी। सो जैसे ही गैस से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो वहाँ पर शाइनी रेज प्रोड्यूस हुई और उन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज का।
ठीक है, फर्दर उन पर कैथोड रेस पर काफ़ी स्टडी की गई, ऑब्जर्वेशंस की गई, और वहाँ से क्या पता चला कि ये जो हमारी कैथोड रेस हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, और ये क्या कर रही थी, प्रोड्यूस कहाँ से हो रही थी, ये कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी, ये एनोड की तरफ मूव कर रही थी, ठीक है, ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी, मतलब इन पर नेगेटिव चार्ज था, सो ऑलवेज नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सो इन पर नेगेटिव चार्ज था इसी वजह से ये एनोड की तरफ मूव कर रही थी, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, ठीक है, इनका जो फ्लो था वो बिल्कुल स्ट्रेट था। उसके बाद ऑब्जर्वेशन की गई, इन रेस के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया गया, मतलब कोई भी ठोस ऑब्जेक्ट रख दिया गया, ऑब्जर्वेशन की गई तो पता चला कि ये जो रेस हैं ये एक इमेज बना रही हैं, अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा शेडो बना रही थी, ठीक है, तो ये क्या कर रही थी कि जैसे ही इन रेस के रास्ते में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाता था तो ये क्या करती थी, अपना शेडो बनाती थी। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी देखी गई कि जैसे ही ये किसी मटेरियल बॉडी पर, किसी भी चीज़ पर ये गिराई जाती हैं, यही शाइनी रेस जिन्हें हम कैथोड रेस कह रहे हैं, तो ये उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती थी। उसके अलावा डियर स्टूडेंट, जे जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया कि यही हमारी कैथोड रेस जब ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स से, जब उसकी दीवारों से टकराती हैं तो ये क्या करती हैं, लाइट प्रोड्यूस करती हैं, एंड इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट सेम टाइप्स ऑफ रेज वर इमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वॉज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी ये किसी भी मटीरियल, आप किसी भी मटीरियल का कैथोड ले लें या फिर आप ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस यूज कर लें तो ये रेज लाजमी प्रोड्यूस होती थी। यहाँ से एक चीज़ साबित हो रही है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक आप पॉइंट देखें कि ये रेज जैसे ही किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ टकराती थी, यानी जब ये हमारी कैथोड रेज फ्लो कर रही होती थी, इनके रास्ते में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, कोई ठोस ऑब्जेक्ट अगर रख दिया जाता तो वहाँ पर एक शेडो बनता था, ठीक है, तो यहाँ से क्या साबित होता है कि ये रेज नहीं बल्कि ये पार्टिकल्स थे, हाईली एनर्जी पार्टिकल्स थे, और इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और दूसरा ये कि कोई भी मटेरियल का अगर हम, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट थे सर विलियम क्रूक, उन्होंने सिर्फ एक ही मटेरियल के कैथोड को थोड़ी ना यूज़ किया होगा, उसने डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स के कैथोड को यूज़ किया होगा, बार बार उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर मैं फलां एलिमेंट से बना हुआ कैथोड यूज़ करता हूँ तो फिर कौन सी रेस प्रोड्यूस होती हैं, अगर ये करता हूँ तो फिर कौन सी होती हैं, तो उसने बार बार एक्सपेरिमेंट किया होगा, और बार बार एक्सपेरिमेंट करने से सेम टाइप्स की रेस प्रोड्यूस हो रही थी, सो इस वजह से साबित हो गया कि ये रेस किसी भी मटेरियल पर, किसी भी कैथोड पर या किसी भी गैस पर डिपेंड नहीं करती थी, और ये रेस नहीं बल्कि ये हाईली एनर्जी पार्टिकल्स थे जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने आई होप सो मे बी आपने देखी हो, इंडिया की एक मूवी है, वहाँ उसमें एक मशहूर डायलॉग था कि ये जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है, यानी वो एक आदमी होता है उस मूवी में और वो चाचा का भी वही रोल प्ले कर रहा होता है और भतीजे का भी वही रोल प्ले कर रहा होता है, यानी वहाँ पे डबल रोल बंदा जो है ना वो परफॉर्म कर रहा था, चाचू भी वो खुद बन जाता था और ज़रूरत पड़ने पर वो भतीजा भी बन जाता था, वो सो आपने देखी हो, लेकिन ये बात यहाँ पे वही हो रही है, यानी पहले तो इन्हें कैथोड रेस का नाम दिया गया, उसके बाद फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो वहाँ से पता चला कि ये रेज नहीं, ये मटेरियल हैं, मटेरियल पार्टिकल्स हैं, और ये कौन से पार्टिकल्स हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। सो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएं, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज बताएं, तो आपने घबरा नहीं जाना कि ये जो हमारी कैथोड रेज हैं ये और चीज़ हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और चीज़ हैं, बल्कि वही पहले एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उन्हें रेज का नाम दिया गया, और बाद में क्या हुआ, ये इन रेज को पार्टिकल्स का नाम दे दिया गया, और ये पार्टिकल्स कौन से थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। लेट्स सी द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड व्हाट आर कैनाल रेज। इन 1886 गोल्डस्टीन नामी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर विलियम क्रूक का एक्सपेरिमेंट, जो कि 1879 में परफॉर्म किया था,
हमारे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए या कैथोड रेस की डिस्कवरी के लिए उसी सेटअप को, उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा से परफॉर्म किया गया। माय डियर स्टूडेंट्स, 1886 में सर गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे सर विलियम क्रूक ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस, वहाँ पर कैथोड रेस के साथ साथ कुछ और रेज भी प्रोड्यूस हो रही थी। उन्होंने क्या किया, सेटअप में थोड़ी सी चेंजेस की। उन्होंने सेम ग्लास ट्यूब ली और उस ग्लास ट्यूब में दो मेटेलिक रॉड्स लिए, एक एनोड और दूसरा कैथोड, लेकिन यहाँ पे कैथोड में थोड़ी सी चेंजेस की गई। कैथोड को यहाँ पे परफोरेटेड बनाया गया और सेम उसी तरह से इस ग्लास ट्यूब को, इन दोनों मेटेलिक रॉड को क्या किया गया, एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया गया तो वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर कैथोड रेस के साथ साथ या फिर इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन के साथ साथ कुछ और भी प्रोड्यूस हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, उस एक्सपेरिमेंट में फर्दर इम्प्रूवमेंट की गई, बार बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करवाया गया, चेंजेस की गई। वो चेंजेस क्या थी डियर स्टूडेंट्स, अब ये तो वाजिया था कि यहाँ पे कुछ और रेज प्रोड्यूस होती हैं जो कि एनोड से कैथोड की तरफ मूव करती हैं, और ये रेज क्या करती हैं, ये हमारे परफोरेटेड कैथोड में से गुजरती हैं, उसके होल्स में से गुजरती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कैथोड था वो परफोरेटेड था, उसमें सुराख थे, उसमें कैनाल्स थी। सो इस वजह से इन रेज को कैनाल रेज का नाम दिया गया। अब यहाँ पर बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म होगी कि ये जो रेज प्रोड्यूस हो रही हैं ये कैनाल रेज हैं। अब फर्दर और इस पर स्टडी की गई, एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करवाया गया। अब ये चेक करना था कि ये रेस कौन सी हैं, इन पर कौन सा चार्ज है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो वाजिया थी कि ये रेस एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं, मतलब ये ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव कर रही हैं। यू नो ऑपोजिट चार्ज इज़ ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, सो ये कैथोड की तरफ मूव कर रही थी, तो जाहिर सी बात है कि इन पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। सो ये बात साबित हो गई कि जो दूसरी रेज यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज रेज होती हैं, ये हमारे कैथोड की कैनाल्स में से गुजरती हैं, इस वजह से हमने इनका नाम कैनाल रेज रख दिया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये रेज भी हमारी कैथोड रेज की तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती थी, बस इनकी जो डायरेक्शन थी वो कैथोड रेज की निस्बत ऑपोजिट थी। यानी हमारी कैथोड रेस क्या करती थी, एनोड से कैथोड की तरफ, सॉरी कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती थी, है ना, कैथोड से निकलती थी और एनोड की तरफ जाती थी, और उन पर नेगेटिव चार्ज था। हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्कवर हुए थे उन पर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। अब ये जो हमारी दूसरी रेस प्रोड्यूस हुई हैं ये क्या कर रही हैं, ये एनोड से यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रही हैं, यानी इन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। डियर स्टूडेंट्स, ये वाजिया था कि ये जो हमारी रेज हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। अब इनके रास्ते में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रखा गया और इन रेज ने क्या शो की, डिफ्लेक्शन शो की। देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। अब एक और चीज़ से भी साबित हो गया कि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारी पॉजिटिव चार्ज रेज थी ये गैस की नेचर पर और हमारा जो कैथोड है उसकी नेचर पर भी क्या करती थी, डिपेंड करती थी, जबकि हमारी कैथोड रेज थी वो हर मटेरियल किसी भी मटेरियल से मिलकर बना हुआ हो हमारा कैथोड, वो उससे चाहे वो किसी भी किस्म की गैस हमारे ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ की गई हो वो लाजमी प्रोड्यूस होते थे, लेकिन ये जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, अभी हमने पार्टिकल्स प्रूव नहीं किया कि ये पार्टिकल्स हैं, अभी हम रेज पे पहुँचे हैं। सो ये जो रेज थी ये क्या करती थी, ये गैस की नेचर पे डिपेंड करती थी और ये कैथोड की नेचर पे भी डिपेंड करती थी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें ये तो पता था कि हमें तो नहीं पता था, ये जो सर हमारे गोल्डस्टीन जो के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्हें ये पता था कि ये रेज तो प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन अब उन्हें ये भी पता चल गया कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, गोल्डस्टीन ने चूँकि सारे एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना था और
उसकी एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करना था। सो उसने ऑब्ज़र्व किया कि जैसे कि हमारी कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं, और ये कैथोड रेज अगर इनके रास्ते में किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ठोस चीज़ को रख दिया जाए, तो ये क्या करती हैं, अपना शेडो बनाती हैं। इन द सेम वे कैनाल रेज को भी चेक किया गया, कैनाल रेज के वे में भी, उनके रास्ते में भी एक ठोस ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, और चेक किया गया कि क्या ये शेडो बनाती हैं। तो बिल्कुल इनका भी शेडो शो हुआ, इन रेज ने भी अपना शार्प पेनिट्रेटिंग शेडो शो किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें कंफर्म करना था कि ये रेज हैं या पार्टिकल्स हैं। तो क्या किया गया कि इन रेज के जैसे कैथोड के बाद, मतलब जहाँ से कैथोड से ये फ्लो कर रही थी, कैथोड की कैनाल्स में से गुजर रही थी, उसके बाद वहाँ पे एक क्या पैडल व्हील को रख दिया गया। सो जैसे ही ये रेज़ फ्लो होना शुरू हुई, जैसे ही एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया, तो इन रेज़ ने क्या किया, पैडल व्हील को घुमाना शुरू कर दिया और साबित कर दिया कि ये रेज़ नहीं बल्कि पार्टिकल्स हैं। और इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन्स का नाम दिया गया। सो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ आवर सेकेंड एटॉमिक पार्टिकल, दैट वाज द प्रोटॉन्स। लेट्स सी द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। माय डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उन्होंने 1920 में बताया कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं हमारे हमारे एटम में, जिनका मास बिल्कुल प्रोटॉन के मास के बराबर है, और वो ज़रूर हमारे एटम में मौजूद हैं। कई साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की, लेकिन 1932 में चैडविक नामिक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। इनकी न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। उन्होंने सिंपली अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी ब्रिलियम पे, और कुछ हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई थी। उन हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस को सर्च किया गया तो पता चला कि ये हमारे क्या हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। ये भी रेडिएशंस नहीं बल्कि क्या हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, जो कि हमारे एटम में मौजूद होते हैं, और इनका मास हमारे प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। ठीक है, सो न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल एंड दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। मास ऑफ दिस पार्टिकल इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप अपने डाउट को, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।